पाकिस्तान बीइंग टिपिकल पाकिस्तान वंस अगेन दो कैचेस छोड़े, एक स्टंप छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने 346 रन बना लिए 5 विकेट्स के नुकसान पर। ऑर्डिनरी बॉलिंग, बुरी फील्डिंग, डिफेंसिव कैप्टनसी, बॉडी लैंग्वेज खराब रही आज, कीपिंग आई मीन इट वॉज पैथेटिक। और अगर देखा जाए ऑल ओवर एटीट्यूड तो बिलो एवरेज रहा। हम स्टार्ट से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला किया और उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्ट में बड़ी विविड बॉलिंग की, दो बॉल्स वो अच्छे करते थे और दो बॉल्स वो टांग पर करते थे तो उनको स्कोर करने का मौका मिल जाता था। लंच से पहले जो सौ किया ऑस्ट्रेलिया ने, दैट वाज द गेम चेंजर। और उसकी जो बेसिक वजह थी वो शाहीन शाह अफरीदी की खराब बॉलिंग थी। हाँ, खुर्रम शहजाद ने बेहतर बॉलिंग की स्टार्ट में, उनके जो 3-4 शुरू के ओवर्स थे वो काफ़ी, उन्होंने लाइन पर बॉल मारा वहाँ पर और बॉल को वो स्विंग भी कर रहे थे। अगर शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पर बेहतर बॉलिंग कर जाते तो पाकिस्तान जल्दी आउट कर सकता था, लेकिन जब आप कैचेस छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा काम। आई मीन दिस वॉज नॉट डन। पहली बार एक अरसे के बाद ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें कोई पेस नहीं है। और हर्षा भोगले ने इस पर ट्वीट भी किया और कहा कि मैं पहली बार एक स्क्वाड देख रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के पास पेस अटैक है ही नहीं। यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहूँगा, जब मोहम्मद अब्बास के बारे में क्वेश्चन हुआ था इस टीम के सिलेक्शन के ऊपर तो वहाब रियाज ने बड़े फ़ख्र से या बड़े गुरूर से कहा था कि अब्बास सीम बॉलर हैं, वो 130-132 पे बॉल करते हैं तो वो इंग्लैंड की कंडीशन में अच्छे हैं। भाई यहाँ कौन से आप तोप के गोले मार रहे हैं, 138 ऊपर आपका बॉलर जा कोई नहीं रहा। खुर्रम शहजाद 133-134, आमिर जमाल 34-35, सेम इज़ द केस विद शाहीन शाह अफरीदी 37-38, सारे अपनी फिटनेस बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि T20 क्रिकेट ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं खुलकर कहूँगा कि आपका इंटेंट ही वो नहीं रहा, आप जोर लगाने के काबिल ही नहीं रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के। 20 आउट कैसे करेंगे आप? टेस्ट क्रिकेट में वो जीता है जो 20 आउट करता है। हाउ वुड यू टेक 20 विकेट्स विद दिस बॉलिंग अटैक? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हॉन्ट करेगा पाकिस्तान टीम को, बल्कि हॉन्ट क्या करेगा, जो ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो तो इसको हॉरर शो कह रही हैं विजिटर्स के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए। सो कितनी बदनामी वाली बात है या कितनी बुरी बात है ये। कुछ कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जो पाकिस्तान का एक पूरा बॉलिंग अटैक है ना, उसके बैग में 138 विकेट्स हैं और 52 मैचेस हैं कुल मिलाकर, लेकिन एक इकलौते मिचेल स्टार्क, उनकी 333 विकेट्स हैं। अब बताइए इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या ये मीट हो पाएगा, बताइए ज़रा। और जो रन्स का अंबार लगाएंगे ऑस्ट्रेलियन, 350 तो उन्होंने आज कर दिया ना पहले दिन में 4 समथिंग की एवरेज से, कल वो क्या करेंगे आपके साथ जब उनके पास पूरा लाइसेंस है आपको हिट करने के लिए और आपकी बॉलिंग में वो जान नहीं है। खैर, एक बात यहाँ पर कमेंडेबल है, तारीफ के काबिल है, वो ये कि शान मसूद ने बेहतर करने की कोशिश की आफ्टर लंच, जब उन्होंने बॉलिंग अपनी चेंज की तो कहीं उनको विकेट्स मिले हैं, लेकिन जब आप कैचेस छोड़ेंगे और आपके जो बॉलर्स हैं उनका मोरल डाउन होगा तो आपको विकेट्स कैसे मिलेंगे। 164 की इनिंग्स खेली डेविड वार्नर ने, उसमें उनको दो चांसेस मिले, एक उनका कैच छोड़ा और एक उनका स्टंप छोड़ा, दोनों सलमान अली आगा की बॉल पर छोड़े। सो बड़े मशहूर एक वो शेर है कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, तो ये वही हाल है कि सुबह जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, रात में पता नहीं उन्होंने क्या प्लानिंग की होगी कि वहाँ कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज प्लानिंग लेस जो पहला सेशन था, और पहले सेशन ने ही असल में काम दिखाया। सो कल डे टू होगा और उसके ऊपर अपने तबसरे और तजिए के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।